Hey guys, welcome back to my YouTube channel with another vlog. Hope you are doing well. तो आज का vlog शुरू होता है मेरे husband से. उन्होंने बोला मुझे कि आज का vlog मैं बनाऊंगा और मैंने जो जो किया दिन में वो मैं दिखाऊंगा और वो दिखाना चाहते हैं. अब आप सुनेंगे मेरे husband की voice. आज का vlog शुरू होता है शवेद को जास खाने से. इधर आ, इधर आ दी. ये मैं ग्राउंड में आया हूँ. देखें गाइस, शवेद को मोटरसाइकिल की जो सुखाते हुए. तो ये देखें, ये बॉयज़ क्रिकेट खेल रहे हैं. ये हमारा डिग्री कॉलेज है बॉयज़. ये देख सकते हैं आप, बहुत अच्छा कॉलेज है. शवेद साहब बाइक को दूर लेके जाते हुए, और इधर बहुत सारे लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं. ये देखें, इधर भी गंद गुंद भी बहुत है. वो वैसे भी हैं, इधर गुजरों का सारा डेरा है. ये शवेद साहब फिर मेरी तरफ आते हुए यहाँ पे आ गए थे मेरे हस्बैंड घर थोड़ी बाइक सिखाने के बाद. वो यहाँ पे धूप में खड़े हुए थे और साथ साथ वीडियोस बना रहे थे. उसके बाद वो गए, उन्होंने बाइक निकाली और वो गए अपने सैलून पे शेव करवाने के लिए. वहाँ पे भी उन्होंने थोड़ी सी वीडियो बनाई है, आप देख सकते हैं. वो बार्बर शॉप पे गए थे और उन्होंने वहाँ पे जाके अपनी शेव करवाई और सारी साथ साथ वीडियोस बनाई. शेव करवा के मेरे हस्बैंड आ गए थे घर, और फ्राइडे वाले दिन वो शॉप पे लेट जाते हैं तो इसलिए कुकिंग वो करते हैं. तो मैंने, वो कुकिंग कर रहे थे तो मैंने उनका थोड़ा सा शूट किया. प्याज को छोटा छोटा काटने के बाद उन्होंने लहसुन और हरी मिर्च को अच्छे से चॉप किया. अब यहाँ पे बारी थी चिकन को साफ़ करने की. चिकन को हमने अच्छी तरह से धोया, चिकन को साफ़ किया, और साफ़ करने के बाद ये रही चिकन के लोग साफ़ हुए हुए. उसके बाद हमने कढ़ाई को स्टोव पे रखा. स्टोव पे रखने के बाद हम लोगों ने उसमें ऑयल डाला, और ऑयल के गर्म होते ही हमने उसमें चिकन डाल दिया. चिकन को डाल के अच्छी तरह से हमने चिकन को भुना, और जैसे ही चिकन थोड़ा थोड़ा रेड हुआ तो हमने उसको बाहर निकाल दिया. चिकन को अच्छी तरह से भूनने के बाद हमने टमाटर भी काटे. टमाटर और प्याज को चिकन में ऐड करना था, और चिकन हमने साइड पे रख दिया. उसके बाद हमने ऑयल में चिकन को निकालने के बाद ऑयल में डाले हमने प्याज, और प्याज को अच्छी तरह से हमने थोड़ा सा ब्राउन किया. और जैसे ही प्याज हमारे ब्राउन हुए तो हमने उसमें टमाटर और हरी मिर्चें भी डाल दी, और नमक मिर्च डाल के हमने उसे अच्छे से सौते किया. और जब टमाटर का अच्छी तरह से पेस्ट बन गया और हमने इसमें चिकन ऐड कर दिया. चिकन को ऐड करने के बाद अच्छी तरह हमने इसको मिक्स किया. मिक्स करके हमने थोड़ा सा 2-3 कचरे पानी के डाले, और फिर हमने इसको अच्छी तरह से ढांप दिया. उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड चले गए जुमा पढ़ने, और देख सकते हैं आप माशाल्लाह से कि कितनी प्यारी मस्जिद है और मस्जिद की लुक कितनी अच्छी लग रही है. इसके करीब न जाओ, इन्नम अल-खमर, इसके करीब न जाओ. फरमाया अल्लाह के पाक पैगंबर ने, जो जाएगा तबाह होगा, हलाक हो जाएगा. उसकी दुनिया भी तबाह हो जाएगी, उसकी आखिरत भी तबाह. अल्लाह हमें इन कबायरा गुनाह से
जुमा पढ़ने के बाद मेरे हस्बैंड आ गए थे घर। मैंने उनके आने तक खाना लगाया, हम लोगों ने खाना खाया, खाना बहुत मज़े का बना हुआ था। फिर मैंने अपने और अपने हस्बैंड के लिए चाय बनाई, और चाय बनाने के बाद वो अंदर बैठे हुए थे तो फ़ोन यूज़ कर रहे थे, मैंने उन्हें ला के चाय दी। और अब बैठे बैठे हम लोगों ने चाय साथ इंजॉय की और साथ में हमने बहुत सारी बातें की। उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड के शॉप पे जाने का टाइम हो गया था तो वो चले गए अपनी शॉप पे, और ये रही उनकी शॉप अल शेख डाइपर्स हाउस। के साथ ही हमारी आज की वीडियो को होता है एहतमाम। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा आज का व्लॉग, आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को पूरा देखने से पहले हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करते जाइएगा ताकि हमारे न्यू आने वाले व्लॉग्स आपको मिल सके। हमारे अगले व्लॉग्स देखने के लिए स्टे कनेक्टेड विद अस। अल्लाह हाफिज़।